नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। गीता नगरी कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव चल रहा है, जिसमें आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में देश भर से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम में गीता के महत्व को बताते हुए भव्य आयोजन के लिए सीएम मनोहर लाल का आभार जताया गया। देखिए एक रिपोर्ट। गीता नगरी में आयोजित इंटरनेशनल गीता महोत्सव के कार्यक्रम में देश भर से आए कई संतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गीता महोत्सव का हिस्सा बन चुके स्वामी ज्ञानानंद ने सभी संतों और कार्यक्रम में शामिल लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी ज्ञानानंद ने कहा, गीता महोत्सव न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में अपनी एक प्रेरणात्मक पहचान बना चुका है। गीता ने पूरे विश्व को नई दिशा देने का काम किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने के माध्यम से केवल 18 दिन में यहाँ जो भीड़ होती है और लाखों लाखों लोग जो यहाँ आने लगे हैं, हजारों से एक लाखों की संख्या, लेकिन उसके साथ साथ एक विशेष बात जो है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र के गौरव के रूप में एक नई पहचान प्राप्त हुई है। पूरे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति जो एक सोच ऐसी बन गई थी कि विरक्तों का ग्रंथ, विरक्ति के लिए ग्रंथ, कर्म त्याग या बहुत सी बातें, अब वो सोच बदली है। भगवद गीता के प्रति पूरा विश्व मानने लगा है, जानने लगा है और उत्सुकता से ये अनुभव करने लगा है कि गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं, यद्यपि वो भी हमारा गौरव है, लेकिन पूरा विश्व मानने लगा है कि गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं। इन बढ़ती चुनौतियों में, समस्याओं में जो विश्व के सामने हैं, अराजकता, अनीति, अशांति, तनाव, दबाव, युद्ध की विभीषिकाएं, उनमें एक वैश्विक समाधान के रूप में है भगवद गीता। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने पूरे विश्व में भगवद गीता के प्रति एक उत्सुक प्रेरणा जागृत की है। श्री गीता जयंती का पावन पर्व, जिसका पक्ष एकादशी के रूप में आज प्रारंभ हो चुका है और उदया तिथि के अनुसार कल गीता जयंती का महापर्व है, और गीता जयंती के महापर्व जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में न केवल कुरुक्षेत्र, न केवल हरियाणा और अब न केवल भारत, अभी तो पूरे विश्व में अपनी एक प्रेरणात्मक पहचान बना चुका है। वहीं इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। गीता महोत्सव के लिए स्वामी ज्ञानानंद महाराज को बधाई दी। साथ ही इस दौरान बाबा रामदेव ने गीता के श्लोक भी सुनाए। वहीं स्वामी रामदेव ने गीता महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए सीएम मनोहर लाल का भी आभार जताया। साथ ही इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। गीता भगवान की विभूति है, विभूति योग। गीता हमारे लिए कर्म भी और कर्म संन्यास योग भी है, मोक्ष योग। गीता के 18 अध्याय योग है, जो अवसाद ग्रस्त है उनके लिए भगवान का प्रसाद है। और उस गीता का उद्घोष जन जन में हो, मन मन में हो और पूरे विश्व में हो, उसके लिए हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो गीता महोत्सव की इस पूरी संकल्पना को जो ऊर्जा प्रदान की है और उसको जीवंत स्वरूप हमारी गीता मनुष्य ने दिया है, इसके लिए हमारे खट्टर साहब का एक बार जोरदार अभिनंदन है। हिंदुस्तान में आज जो फकीर हैं वो इस हिंदुस्तान की तकदीर बदलने में लगे हैं। हमारे एक देश के प्रधानमंत्री 365 दिन राष्ट्र के लिए जीते, ऐसा प्रधानमंत्री जिनके होने से भारत और भारतीयता को गौरव प्राप्त होता है, वो जहां खड़े होते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गौरव होता है। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोग जिनमें अपने सपने देखते हैं, अपने आचार विश्वास देखते हैं, दिन में सनातन का गौरव देखते हैं, नूतन अनुसंधान देखते हैं, संस्कृति मूलक समृद्धि देखते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं, और उन प्रधानमंत्री के सपनों को आकार देने वाले, उन्होंने सोचा 370 अब खत्म करनी है,
पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन देश में लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, कैसे ये 370 की धारा खत्म होगी। हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सपनों को धरती पर मूर्त रूप देने वाले कोई एक वीर पराक्रमी महापुरुष है तो हमारे श्री अमित शाह जी, एक बार उनका फिर से जोरदार अभिनंदन। पूरे देश में श्रीमद भगवद गीता का पाठ हो, ऐसी मुहिम हमारे पूज्य श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने उसके लिए संकल्प लिया है और उसके लिए 3 श्लोक सुने, उसी से हम मंगलाचरण करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय अनन्याश्चिन्तयन्ताः ये माम जनः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्वानि तिर्मतिर्मम। तो कल ये पूरे मिलकर के 3 कम से कम भगवत गीता के श्लोक का पाठ एक साथ करें, ये पूज्य महाराज जी की मुहिम है। और पूरे देश में हमारे जीवन में गीता, हमारे आचरण में गीता समाहित हो, हम गीता को जिए, जियो गीता का बहुत बड़ा एक आंदोलन पूज्य महाराज श्री चला रहे हैं। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए हमारे गीता मनीषी जी का, उनके पुरुषार्थ के लिए, उनकी गीता में जो एक गहरी निष्ठा है। गीता महोत्सव को साकार रूप देने का काम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है, जिस कारण आज विश्व में गीता महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। सीएम मनोहर की ही कोशिश है कि विश्व स्तर पर गीता महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और गीता का विश्व भर में प्रचार प्रसार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इंटरनेशनल गीता महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर के साधु महात्मा गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बीजेपी संस्कृति को आगे बढ़ा रही है और देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए ही धारा 370 हटाई गई थी। देखिए एक रिपोर्ट। गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे इंटरनेशनल गीता महोत्सव में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा में चल रहे संत सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में स्वामी रामदेव, स्वामी ज्ञानानंद, स्वामी अवधेशानंद समेत कई संत महात्मा पहुंचे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद गीता के ज्ञान को संत महात्मा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गीता में हर समस्या का समाधान मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान के लिए गीता का उपदेश दिया था। वो युद्ध धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए लड़ा गया, जिसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की भावना व्यक्त की थी। 7 साल के दौरान विश्व भर में गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। मित्रों, आज हम कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बैठे हुए 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था और आज देश आजाद होने के बाद 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं, सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान
गीता के उपदेश में समाहित है, इसके बाहर जाने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, इनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, और जो निर्वेद की निर्मिति होती थी वो निर्वेद की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहा था। मगर वो युद्ध श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन ये युद्ध का समय है, सामने कौन है वो नहीं देख सकते हो, तेरा धर्म है कि तुम युद्ध करो, मगर वो युद्ध खुद के लिए नहीं था। वो युद्ध समग्र पृथ्वी पर धर्म के स्थापन के लिए था, अनेक जीवों के कल्याण के लिए। 2014 से मोदी जी का नेतृत्व में यहां देश में सरकार चल रही है। जैसे मनोहर जी ने बताया, मोदी जी ने ही 2014 में इसी गीता महोत्सव में भावना रखी थी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होना। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो 15 में मुख्यमंत्री बने और 16 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करने का काम। अमित शाह ने कहा कि इस देश की महान संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। देश की एकता और अखंडता के लिए जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई। देश को पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए 3 तलाक का कानून हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना है, भूमि पर लाना है, तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए और ये देश को 7 अक्षमय पंथ निरपेक्ष बनाना है तो 3 तलाक जैसे कानून जो धर्म विशेष के लिए बने हैं उसको समाप्त कर दे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता का उपदेश आज भी जीवन में सार्वभौमिक है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2016 से शुरू किया गया। हाल ही में अमेरिका सरकार से भी गीता महोत्सव को लेकर निमंत्रण आया है। साल 2014 से ही देश से गुलामी के चिन्ह को मिटाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। हाल ही में देश में अंग्रेजी काल से चल रहे कई कानून को बदलकर देश के अनुकूल बनाने का कार्य किया है। बहुत ही अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव गीता महोत्सव जो मनाया जाता था उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर मनाने का निर्णय लिया था।
ये आठवां वर्ष है, कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहां आते हैं या उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य अन्य देशों में भी स्वामी गानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशियस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहां के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहां रहता है, तो वहां भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में अंधकार में जो वातावरण था उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में जो संत सम्मेलन का आयोजन, इसमें आज उपस्थित अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि श्री अमित शाह जी और देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं, जो इस देश के अंदर कमियां हमको ध्यान में आती थी, देश आजाद हुआ वर्षों की गुलामी के बाद, वो एक कहानी है। लेकिन आजादी के बाद एक चैलेंज था कि इस देश की एकता और अखंडता, इसको मजबूत रखा जाए। तुमको मालूम है कि उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। 500 शिव प्रयासों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने सब राजाओं महाराजाओं को, छोटी बड़ी रियासतों के जो चलाने वाले उस समय लोग थे, सबको एक सूत्र में बांधा और देश एकता में बंध करके और आज एक लोकतांत्रिक सबसे बड़े देश के रूप में उभर करके आया है। लेकिन पिछले 70-75 सालों में इस देश की गुलामी के जो चिन्ह थे उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये काल शुरू हुआ अपना 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने जैसे जिस सरल ढंग से और जिस बड़े आसान तरीके से एक एक चीज की पहचान करके, बहुत तरह तरह की शंकाएं जाहिर की जाती थी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे एक मिनट चुटकी में सारा मामला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना यह असंभव लोगों को लगता था, एक मिनट में सब ठीक हो गया। बहुत से ऐसे विषय जो किए गए हैं। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल की पहल से गीता को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व से गीता महोत्सव के आयोजन के लिए निमंत्रण आ रहे हैं, जिससे सनातन का मान तो बढ़ ही रहा है, साथ ही देश और दुनिया में सीएम मनोहर की बड़ाई भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।